भैरव भगवान को शिव शंकर का अवतार माना जाता है और भैरव अष्टमी पर भगवान भोलेनाथ और भैरवनाथ की पूजा करने से लोगों को रोग दोष से मुक्ति मिलती है, प्रेत बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, साथ ही जो तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। भैरव अष्टमी पर एक पान, एक जनेऊ, एक सुपारी, एक जायफल, 51 लौंग, 51 काले दाने ले में और फिर संकल्प करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही 51 भैरव 40 का पाठ करने से कोई भी एक मनोकामना, शादी, विवाह या अन्य चीज की हो, वह भी पूर्ण होती है। भैरव अष्टमी के दिन पूरब दिशा की ओर मुख करके विराजमान हो जाएं, भगवान भोलेनाथ का पूजन विशेष करें, रक्त चंदन भोलेनाथ जी के लिए अर्पण करें। उसके बाद में भैरव भगवान के लिए काले तिल, काले उड़द और पान, बतेशा, नरियल और 5 लौंग लेकर उनके लिए अर्पण करें। भोले भैरव जी के लिए प्रसाद अर्पण करें। मान्यता है कि बटुक भैरव भोलेनाथ का ही स्वरूप है, तो भोलेनाथ का भी विशेष पूजन है उसमें और भैरव जी का भी विशेष पूजन है। और जिन लोगों की कुंडलियों में राहु बकरी चल रहा है, अन्यथा राहु नकारात्मक फल दे रहा है, अष्टमेश या छठेश या द्वादशेश भाव में विराजमान होकर राहु नकारात्मक फल यदि दे रहा है और बकरी यदि राहु है, तो भैरव अष्टमी के दिन भैरव जी महाराज का पूजन विशेष करें राहु के लिए। कैसे करें विशेष पूजन? भैरव जी के लिए 51 दाने काले तिल के लें, 51 दाने काले उड़द के लें, जो छिलका लगा रहता है उड़द में, साबुत उड़द होता है वो लें, और एक नारियल लें, एक पान लें, एक जायफल लें, जायफल के साथ में एक सुपारी और एक जनेऊ। पान के पत्ते पर 51 तिल के दान रख लें, 51 उड़द के दाने रख लें, एक नारियल रख लें, एक जायफल रख लें और एक सुपारी और एक जनेऊ रख लें। उसमें इतनी सामग्री उसमें रखना है, और इतनी सामग्री रखने के बाद में कुछ दक्षिणा द्रव्य रखकर संकल्प करें। संकल्प रोग दोष मुक्ति के लिए, धन धान समृद्धि के लिए, गृह पीड़ा के लिए और शिक्षा बुद्धि प्राप्ति के लिए, मति भ्रम स्थिति शांति के लिए। जिन लोगों की ज्यादा मति भ्रम होती है, भ्रमित हो जाते हैं जो लोग, वो लोग ये उपाय अवश्य करें तो उनकी मनोकामना पूर्ण अवश्य होगी। ये विशेष आराधना भैरव चालीसा का पाठ करें।